दिल की एक बीमारी मैं सिर्फ आज हाईलाइट करूंगा जो हम में से तकरीबन सब में है हम में से तकरीबन सब में वो है लालच वो क्या है भाई वो लालच है आप कह सकते हैं नहीं हम तो लालची नहीं है हमने तो फला मस्जिद में इतने पंखे अपनी जेब से लगवाए हैं हमने तो इतने ग़रीबों को खाना खिलाया हमने तो ये किया हमने तो यूँ किया हमने तो ऐसा किया देखो दिल के अंदर इस तगना का ना होना इट इज़ कॉल्ड लालच लालच की ये डेफ़िनेशन नहीं है कि आप पैसे नहीं ख़र्च कर रहे आप गरीबों का ख़्याल नहीं कर रहे ना 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 बहुत से कंजूस लोग भी गरीबों का ख्याल कर लेते हैं इस्लाम जिस लालच से आपको बचाना चाहता है वो लालच ये है कि आपकी नज़र अल्लाह के सिवा किसी पर ना हो और आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाओ भिगारी ना बनो ना इज्जत की भूख ना पैसे की लालच दो तरह की लालच होती है इज्जत के भूखे भी हैं मार्केट में बहुत शोहरत के भूखे ये सब कंजूस कंजूसों की अकसाम है शोहरत के भूखे इज्जत के भूखे और पैसों के भूखे ये आज मार्केट में होल सेल के हिसाब से हैं और ये ऐसे भूखे नदीदे भिकारी हैं कि ये थ्री पीस सूट और टाई में भी भिकारी नहीं लगते जबकि अल्लाह की नजर में ये उन भिकारियों से बड़े मुजरिम हैं जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं वो नजर तो आ रहे हैं ना और इन भिकारियों की जो शोहरत के भूखे इज्जत के भूखे और लालच पैसों के भूखे ये तीन किस्म के भूखे मार्केट में होल सेल के हिसाब से देखो पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है पैसे की हवस और लालच बुरी चीज है अब कौन सी लकीर है जिससे पता चले कि इसमें पैसे की लालच है या ख्वाहिश है ख्वाहिश तो हर एक में होती है ना क्या हो गया भाई ख्वाहिश तो हरेक में होती है ना पैसे की ख्वाहिश ना हो तो कमाएंगे क्यों खाएंगे क्या खाने की लालच हरेक में ख्वाहिश हर हरेक में है कि नहीं है खाने की ख्वाहिश बुरी चीज़ नहीं है ये नेचुरल है खाने की लालच क्या है बोल दो बुरी चीज़ है खाने की लालच इतना खामोश रहना ठीक नहीं है खामोश रहें घर में ठीक वहां चीखें चिल्ला खाने की ख्वाहिश बुरी चीज नहीं है खाने की लालच क्या है बुरी चीज है कहते हैं ना फला चटोरा ये चटोरा नाम कब पड़ता है हर वक्त चटखारों की उसको फिक्र हो खाने की ख्वाहिश क्या है भूख लग रही है हर आदमी का दिल चाहता है मैं खा लूं पैसे कमाता है इंसान खाना बनवाता है अच्छा खाता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है इज़्ज़त के साथ खा लिया मुद्दल आलिया दामद बरका तो हम इज्जत के साथ खा लिया इन वो चीज़ है जिसमें इंसान को खुद भी महसूस होता है मेरी इज्जत बोलो नहीं जा रही एक लालच है खा लिया आप जा रहे हैं कोई बंदा खा रहा है आपका दिल आप वहाँ से यूं यूं करके घूम रहे हैं कि शायद मुझे भी बुला ले जाके उसकी खैरियत पूछ रहे हैं मकसद खैरियत नहीं है मकसद है कि शायद इस बहाने दो वाले बोलो खिला दे ये ख्वाहिश नहीं है ये क्या है लालच है ओ भाई इस तगना के साथ अपना कमाओ खाओ जितने टुकड़े अल्लाह खिला इज़्ज़त के साथ सूखी रोटी कहवे में डाल के नरम करके खा लिया करो पानी में भिगो के जो मुस्तगनी लोग होते हैं उनको अगर सूखी रोटी मिल रही है तो दूसरे के कबाब बिरयानी की खुशबू उनको मुतासर नहीं करती क्यों वो उम्मीद है भाई ये तेरे लिए मेरे लिए नहीं है मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा भाई उसके लिए भाई हमें क्या यार लेकिन आपने सूखी रोटी खा के घर से निकले फौरन निकले तो कबाब बिरयानी की खुशबू आ रही है पड़ोसियों के घर में काश ये हमारे घर में भी धोने वाले भेज दें जाके तबीयत पूछ रहे होटल में कोई खा रहा है उसके साथ जाके बैठ गए खैरियत पूछने के लिए मकसद है कि पूछेगा तो एक दफ़ा इनकार करना है दूसरी दफ़ा में हाँ करना है पहली दफ़ा में थोड़ा सा नहीं अरे नहीं आप खाइए नहीं हमारे एक दोस्त थे चाइना गए वहाँ खाना बहुत महंगा है और वो हलाल बहुत मुश्किल से मिलता है चाइना वाले तो वो खाते हैं जिसको अंग्रेज़ भी हराम कहता है ऐसा गंद खाते हैं कि जिसको गोरे भी क्या कहते हैं ये ये इस्लाम में ये ईसाई में भी क्या है <laughs> वो तो इतना गंद खाते हैं अब वहाँ होटलों में खाना बहुत महंगा। तो कहते हैं कि मैंने खाना मंगवाया तो एक साफ चिपक गए फुल्थुरू की तरह मेरे साथ पाकिस्तानी थे वो भी अल्लाह उनको हिदायत दे शर्म नहीं आती तो वो आगे बैठ जाते अब आदमी कहता है खा ले भाई तू यहाँ बैठा हुआ है मुंह देख रहा है मेरा अब जहाँ महंगा खाना है वहाँ ये एक दफ़ा दो दफ़ा मुस्तकिल तो आदमी जब जाता है ताजिर लोग तो कैलकुलेशन करके जाते हैं ना कि मेरा नाश्ते पे कितना खर्च होगा वो तो फिर प्रॉफिट ये सब सोच के जाते हैं ना तो उसमें अगर कोई उनके साथ शरीक हो जाए और खास तौर पर जो हवस का मरीज शरीक हो जाए तो आदमी को गुस्सा आता है कि भाई तू क्यों बैठा हुआ है? तो कहते हैं कि वो एक दफ़ा खा लिया दूसरी दफ़ा जब बैठा है ना आके तो कह रहे मैंने बड़ा पुरतकल्लु खाना मंगवाया बहुत बेहतरीन ये भी पूरे थे माशाल्लाह। बकरे शकरे जो भी हलाल कहीं से रेस्टोरेंट होगा मंगवा के तबीयत से खा के जब बिल लेने के लिए बंदा आया तो मैंने कहा आधा इससे लेना आधा मुझसे आधा इससे वो कह रहे हैं मेरा मुंह देख रहा है वो मैंने कहा भाई दोनों ने खाया दोनों मुसाफिर हैं दोनों की हैसियत एक जैसी है आधा, आधा आप देंगे आधा कह रहे उसके बाद वो दोबारा नहीं आए ये करना चाहिए लालची लोगों के साथ हमें ज़िंदगी में बहुत वास्ता पड़ा है लालची लोगों से मैं सबसे बदगुमान नहीं हो रहा अक्सर लोग जो सेल्फी लेते हैं मोहब्बत में लेते हैं उसका कोई बुरी नीयत नहीं होती एक ओलमा से मोहब्बत एक यादगार भाई फलां हजरत के साथ खड़े हुए लेकिन एक फीसद लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद सिवाय अपने आप को मशहूर करके लोगों से माल बटोरना लोगों से इज्जत चाहना इसके अलावा कुछ भी नहीं होता मेरे नाम पे लोगों ने चंदे किए हैं दुबई में आप उनकी तकरीरें सुनेंगे आप बोलोगे इससे ज़्यादा नेक आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ मेरे नाम पे वो कहीं हमने कोई WhatsApp पे कोई ऑडियो भेज दी आप माशाल्लाह बड़ी खुशी आपसे मिल के भेज दी तो अब वो सेफ़ की भी है हर एक को दिखा रहे हैं इन्होंने क्या किया है इतनी मुझे प्रोटोकॉल दिया है कभी किसी बड़े आलम के साथ ऐसे लोग भी हैं मुझसे मिलने के लिए आ रहा है कोई बड़ा आदमी मैं समझ रहा हूँ ये इसके साथ है वो समझ रहे हैं कि ये बंदा मेरे साथ है ना ये उधर का ना ये इधर का वो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं जब जेहलम गया ना तो वहाँ भी इस शादी में बहुत सारे बेगाने दीवाने मिले हमको बहुत सारे तो नहीं चंद बहुत सारे तो नहीं कह सकते क्योंकि हम तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे ना किसी को अभी जब मैं जेहलम गया था ना तो इसमें कुछ लोग ऐसे दीवाने थे जो ना उधर के ना इधर के खाम खामे वो घुसरे शोहरत के भूखे और फिर वीडियो बना बना के डाल रहे हैं तो जब हमने लिफ्ट ही नहीं कराई है तो फिर उधर को लुढ़क गए जब उधर से लिफ्ट मिलती इधर को लुढ़कते हैं तो मैं यस कर रहा था कि एक है ख्वाहिश और एक है लालच ख्वाहिश ये नेचुरल है भूख के वक्त खाने की ख्वाहिश होती है जवान आदमी में शादी की ख्वाहिश होती है ऐसे भी आपको मिलेंगे मामला कि कोई लड़की घर में बैठी हुई थी उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे एक आदमी ने जब निकाह का पैगाम भेजा तो धड़ाधड़ रिश्ते आना अब जो इसके पैगाम के बाद जो पैगाम भेज रहा है उसमें ख्वाहिश नहीं है उसमें क्या है हवस है ये गैर अखलाक हरकत है कि जब एक ने पैगाम भेज दिया तो अब आप क्यों टांग अड़ा रहे हो नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युब अहदुकुम अला खित बती ही जब एक ने पैगाम भेज दिया है तो उसके पैगाम पर पैगाम न भेजो कैसा हसीन रिश्ता हो कितनी खूबसूरत हो कितनी खानदानी बाई नहीं ये गैर अखलाक हरकत है मगर ये ये चीज़ पैदा कैसे होगी अल्लाह पे एतमाद और तवक्ल के अल्लाह से होता है गैर अल्लाह से नहीं होता मैं अल्लाह ने मुझे मना किया है गैर अख़लाकी कामों से तो मेरे लिए अल्लाह इंतज़ाम कर देगा जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है ना इंसान उसमें बरकत नहीं होती खरीदो फ़रोख में भी ऐसा ही है मामला में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई सौदा कर रहा हो उसके सौदे पे सौदा बोलो नहीं करो स्टेट एजेंट्स को देख लें एक प्लॉट पड़ा हुआ है कोई लिफ्ट नहीं करा रहा एक कस्टमर आया उसने कहा इतने का भी अस्सी लाख का एक करोड़ का उसने पैगाम भेजा अब एक करोड़ में डीलिंग हो रही है अब अड़ोस पड़ोस को इधर उधर लोगों को पता चल गया अच्छा इसकी वैल्यू एक करोड़ है चलो एक पाँच हम देते हैं ओ भाई ये तो दस साल से पड़ा हुआ था बीस साल से पड़ा हुआ था उस वक्त तो आपने कोई कीमत नहीं लगाई अब एक आदमी आ गया दरमियान में वो सौदा कर रहा है उसका सौदा खराब करने के लिए आपने टांगड़ा दी तो ये बिजनेस की ख्वाहिश नहीं है ये पैसा कमाने की ख्वाहिश नहीं है ये पैसा कमाने की हवस है समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है ये हवस ये चोर हैं ये लोग भी अल्लाह की नजर में इनकी कोई औकात नहीं है चाहे वो थ्री पीस सूट टाई में नहा धो के खुशबूएं लगा के घूम रहे हो माचरे में अंदर से गंदे हैं ये लोग और इससे बड़ा जुर्म ये है कि बयाना दे दिया आपने पांच लाख दस लाख स्टेट एजेंट को एक दूसरा कस्टमर मिला इससे ज्यादा दे रहा है ले भाई अपना बयाना वापस पकड़ यार इसमें तो फॉल्ट हो गया फाइल में दो नंबर ही उसको चलता किया किसी और को पहना दिया वो ये पैसा कमाने की ख्वाहिश नहीं है ये क्या है हवस कि आप अपनी बाउंड्री और हदूद से बोलो बाहर निकल रहे हैं तो कमा लो भाई किसने मना किया है कि चेहरे का नूर भी अल्लाह खत्म करेगा सबसे बड़ा मसला यह होगा कि आपके दिल का सुकून खत्म इख्तियारात से आगे ना निकला जाए कभी भी हुकूमती इदारों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट के इदारों में ये फ़िक्र होती है गवर्नमेंट ऑफ़िसर को कि इस सीट पर मेरा बच्चा आए हालांकि जब आपको हुकूमती सतह पर कोई सीट दी गई है तो आप उसके मालिक नहीं उसमें ये कोशिश कि मेरा फलाना आए मेरा डिमकाना आए मेरा मामू आए मेरा चाचा आए ये ख्वाहिश नहीं है बच्चों के फ्यूचर की वो कहता है, भाई मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर की फ़िक्र करनी है ये बच्चों के फ्यूचर की को बनाने की ख्वाहिश नहीं है ये बच्चों के फ्यूचर की हवस है कि एक चीज आपके पास अमानत है उस अमानत में मामू चाचे बोलो ना नहीं चलते एक मदरसे का मोहतमिम है उसे पता है कि फला आदमी मदरसा चलाने का अहल मेरे बेटे से ज्यादा अहल ही ना हो तो एक अलग बात है फला मेरे बच्चे से ज्यादा अहल है फला में सलाहियत ज्यादा उस उसपे लोग भी ज्यादा जमा होंगे उस पर लोगों को एतमाद भी ज्यादा है लेकिन मोहतम उसको हटा के अपने बेटे को ला रहा है तो ये दीन की खिदमत की ख्वाहिश नहीं है ये नाजायज हवस है लेबल दीन की खिदमत का लगा हुआ है मगर मसला क्या है अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र भाई जाति मदरसा होता ना तुमने अपने पैसों से बनाया हुआ होता तुम्हारी जाति मिलकियत है जो चाहे करो वो तो चंदों से बनते हैं ना मदरसे तो हाँ किसी का बेटा सलाहियत वाला है या उसको ये है कि मेरे बेटे पे लोग जमा हो जाएंगे किसी और पे लोग जमा नहीं होंगे फिर आप अपने बेटे को मोहतमिम बनाए कारोबार किसी के खरीदो फरोख पे टांग अड़ाना रिश्तों को तोड़ना अपने चक्कर में दूसरे का सौदा खराब करना और आगे चलें इससे बड़ी बड़ी बेईमानियां हो रही हैं मार्केट में मार्केट में मैं फिलता बहुत हूँ मुझे ऐसे ऐसे बेईमान नजर आते हैं कि अल्लाह की पना मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये नेगेटिव बातें करते हुए मगर उनके इतने बेईमान होने से ना उनके तकवे पे कोई असर पड़ता है ना लोग उनको बुरा कहते हैं उमरे भी हो रहे हैं हज भी हो रहे हैं फिर भी माशाल्लाह बहुत नेक हैं वो लालची आदमी नेक कहाँ से हो गया है भाई लालची आदमी नेक कहाँ से हो गया एक साहब मुझे मिले एज होगी मेरा ख़्याल है साठ साल बेगम का इन्ना लाला ही व इन्ना ही रून हो गया इतफाक़ से हो गया वरना तो आम तौर पर पहले मियाँ का इन्ना लाला होता है बेगम तसल्ली करती है कि चला गया ना आराम हो गया फिर उसके बाद तशरीफ़ लेके जा आम तौर पर शायद इसकी ये वजह भी हो कि मर्द की उम्र ज़्यादा होती है औरतें जब शादी होती है तो ख़्वीन की उम्र कम होती है अच्छी ताबील करनी चाहिए बेगम का इन्ना लिल्ला हो गया अब वो 60 साल का आदमी वो उसको तन्हाई महसूस हो रही है वो शादी करना चाहता है बच्चे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ नमाजी परहेजगार अब्बा को शादी नहीं करने दे रहे कि विरासत बोलो साढ़े बारह फ़ीसद इन सोतीली अम्मा के पास जाएगा और जाहिर है जो साढ़े बारह फीसद सोतीली अम्मा के पास जाएगा तो सोतीली अम्मा के मरने के बाद सोतीले बच्चों के पास वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो फिर उसके भाई बहनों में जाएगा ना उसके अम्मा में या उसकी औलाद हो गई तो उधर जाएगा आपको सिर्फ उस पैसे पे नजर रखनी चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है बाप के पैसों पे नजर रखना ये हवस इंतहाई दर्जे की हवस है शरीयत ने जो बाप का माल औलाद को दिया है ना वो मरने के बाद दिया है इसलिए कि अब उसका कुछ तो ठिकाना लगाना है ना उसको तो बाप चूंकि ये चाहता है कि मेरा माल मेरी औलाद में जाए तो उसी की चाह अक्सर तो यही चाहते हैं तो उसी की चाहत पे अमल किया भाई मर गया तो अब क्या खबर में थोड़ी लेके जाएगा दे दो भाई इनकी औलादों को इससे बहुत से लोग ये गलत फहमी में मुबला हो गए हैं कि जिंदगी में भी बाप का माल किसका है हमारा है ये बहुत बड़ी खुश है जिसमें आप मुबतला हो गए हैं मेरे इल में ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें आता है बाप का माल औलाद का इसके उलट हदीस है अंता व मालू का ली अबी का तू और तेरा माल तेरे बाप का है बाप ये बात करे ना कि मेरा बेटा शादी कर लेगा तो वो ऐसा ना हो कि वो सारा खर्चा बीवी को दे दे मेरे ऊपर खर्च करना ही छोड़ दे है तो ये भी गलत लेकिन इसकी फिर भी कोई लॉजिक बनती है कि यार बुढ़ापे में पता नहीं मुझे पालेगा कि नहीं पालेगा ये तो बिल्कुल ही उल्टा है कि अब्बा की जिंदगी में बाप की जेब पे नजर रख के बैठे हुए कमबक तुझे तेरे बाप ने पाल पोस के जवान किया तू तो अपना अपनी कमाई लाके उसकी जेब में डाल मेरा तो कुछ भी नहीं है भाई ये सब आपका है क्योंकि आपने मेरे बाजुओं में ताकत पैदा की मैं जब पैदा हुआ था मुझे आपने ईदी सेंटर में जमा नहीं कराया कोई पाबंदी थोड़ी अपना बच्चा ले जाके ईदी सेंटर में जमा करा दो कोई पूछने वाला नहीं है आपने मुझे छत दी आपने मेरी माँ को भी खिलाया पिलाया जिसने मुझे पाला और इज्जत के साथ माशरे में एक नाम दिया कौम दिया खानदान दिया सारी के अब्बा की वजह से लगते हैं ना आपके साथ एक हमारे बिलावल भुट्टो ऐसे हैं जो भुट्टो भी हैं जरदारी भी हैं दोनों चीज़ें लगा दी उन्होंने चलो उनकी मर्जी लेकिन उसी तौर तो पर तो बाप का कौम चलती है न बाप भुट्टो है तो बेटा भुट्टो है बाप जरदारी है तो बेटा जरदारी है बाप खान है तो बेटा खान है बाप अराइ हैं तो बेटा अराई हैं तो अंग्रेजों में चूंकि अब्बा का सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है इसलिए उन्होंने मां से खानदान चला दिया लेकिन नेचुरल जो गार्जियन है वो कौन होता है वो तो अब्बा होता है तो अब बताओ इतनी सारी चीजें अब्बा से लीं नचोड़ ली अब्बा को और अब अब्बा को जरूरत है तो अब डर इस बात का है कि अब्बा की विरासत और कितनी थोड़ी सी जा रही है यार साढ़े बारह फीसद इनको डर है कि अब्बा के हाँ एक और बच्चा ना पैदा हो जाए अब अंदर से अब्बा के क्या जज्बात हैं ये तो कोई नहीं जानता ना तो अब्बा के औलाद पैदा हो गई तो फिर विरासत और ये मैं उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं जो करोड़पति हैं जिनके पास नोट गिनने का टाइम नहीं है जिनका आधी जायदाद भी कहीं चली जाए ना फिर भी बच्चे करोड़ों खरबों के करोड़ों रुपए के मालिक बनेंगे क्योंकि ये हवस हमने गरीबों में नहीं देखी ये किस में देखी है मालदार में गरीब में अगर ये हो ना कि यार अब्बा एक प्लॉट छोड़ के जा रहे हो बीस लाख का शादी करके एक और बच्चा पैदा हो गया तो ये पच्चीस फीसद वहां चला जाएगा तो हमें बचेगा क्या तो गरीब आदमी ये बात करे बात तो उसके लिए भी गलत है लेकिन कोई लॉजिक बनती है कि अब्बा छोड़ के क्या जा रहे हो खाली धुएं छोड़ के जाओगे क्या सिगरेट के <laughs> विरासत में लेकिन गरीब ये बात नहीं करते ये बात कौन कर रहा है मालदार जरूरत गरीब को ज्यादा है बातें इस तरह की कौन करते हैं मालदार बच्चे क्यों जब दौलत आती है तो घर से दीन निकलता है बाप ने पैसा कमा कमा के बच्चों को खिलाया किसी को अमेरिका भेजा किसी को यूके भेजा किसी को जर्मनी भेजा पढ़ने के लिए इतना खर्च किया मगर बाप ने कभी अपने बच्चों को किसी मौलवी साहब के पास नहीं बिठाया किसी बुजुर्ग से बैत नहीं करवाया कि अल्लाह अल्लाह सीखो यहां बैठ के बुजुर्गों का उलमा का अहल्लाह का एहतराम नहीं सिखाया उनके कदमों में बैठना नहीं सिखाया नतीजा क्या निकला यही औलाद बाप की जरूरत को सामने नहीं रख रही है बाप तू तन्हाई से मर जा बेड़ा ग्रक हो जा सारा छोड़ेंगे तुझे हम होना तो ये चाहिए था कि औलाद खुद कहती अब्बा आपको जरूरत है आप, आप सिर्फ अपने खर्चे पे नहीं हम हम आपकी ये जरूरत पूरी करेंगे हम देंगे आपको पैसा आप निकाह करो आपके दस बच्चे पैदा हो जाएं, कोई बात नहीं जिस अल्लाह ने हमें खिलाया है वो उनको भी खिलाएगा हम सिर्फ अपने पैसे के मालिक हैं हाँ अगर हमारी जायदाद में से उसको हिस्सा दे रहे हैं तो हम ये अब्बा ये ये क्या हो जाएगी ज्यादाती हो जाएगी भाई हमने अपनी मेहनत से कमाया तो अब्बा वो कमा लें अपनी मेहनत से जिनके दिल में सखावत है वो तो ये कहेंगे ना तीन दर्जे होते हैं ना एक कंजूसी का एक बैलेंस है और एक सखावत है एक दरमियाना दर्जा है एक क्या है सखावत सखी तो कहेगा अब्बा कोई बात नहीं अगर गरीब हुए तो मैं हूँ मैं उन पर ख़र्च करूँगा क्योंकि वो आपकी औलाद है तो हमारे भी तो बहन भाई हैं ना तो इस्लाम में तो हुक्म है बहन भाइयों पर खर्च करो डबल सवाब है लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि इतना इतनी एक्सीलेंसी आप पैदा कर लें इसके लिए बड़ा दिल चाहिए कि कोई बात नहीं अब्बा आप बच्चे पैदा करें कोई मसला नहीं है आपसे नहीं पलेंगे कौन पालेगा हम पालेंगे हम खर्च करेंगे उनपे गिलगित में ऐसे लोग हैं जो मैंने इंटरव्यू करवाया था ना यहां मार्केट में ऐसे लोग क्या हैं शार्ट हैं कंजूसी है ना हालांकि जब ये जज्बा होगा तो अल्लाह दरवाजे खोल देता है रिस्क छप्पड़ फाड़ के रिस्क आता है लेकिन इतनी एक्सीलेंसी पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हो कि अब्बा आपका पैसा है जो चाहे करो भाई आपने तो हमें इतना खिलाया इतना पिलाया हम तो मकरूज हैं आपके हम तो जिंदगी भर आप पे खर्च करते रहे आपका एहसान अदा नहीं कर सकते इतना दिल खून के आंसू रोने का करता है ना जब बाप मुझे अपने बच्चों के सामने बता रहा होता है और बच्चा बैठा हुआ देख रहा होता है ये नहीं कहता अब्बा ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप करो भाई आपका पैसा है हमारा थोड़ी है आज वालदेन जिन घरों में लड़ाई नहीं है ना माँ बाप और औलाद खुशी खुश खुश्रम जिंदगी गुजार रहे हैं ये वो घर हैं जिनमें माँ बाप को अपने हुकूक ही नहीं पता है ठीक है जिनमें माँ बाप को अपने हकूक पता ही नहीं है कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं औलादों के सामने कि भाई ठीक है ऐसा ही होता है एक साहब से मैंने पूछा तो यूरोप में रहते हैं मैंने कहा आपके बच्चे आपकी बुढ़ापे में खिदमत करेंगे उन्होंने कहा पता नहीं यार हो सकता है कर लें नहीं भी करें तो कह रहे हैं हम अपने लिए इतना इंतज़ाम कर लेते हैं पैसे जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापे में वो हमारे काम है हम बच्चों पे डिपेंड बहुत ही लिबरल किस्म के होंगे या क्या होगा मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई ये क्या बात हुई आपकी इन्वेस्टमेंट या औलाद ही है बुढ़ापे में अपने लिए जमा कर रहे हो कि औलाद ने ना पूछा इसका मतलब औलाद की तरबियत नहीं हो रही है पूरा एक सिस्टम ही चल पड़ा है ना ऐसे आपने अपने बच्चों के सामने अपने बाप को पाला होता तो बच्चों को पता होता कि बाप को कैसे रखा जाता आपने शादी इतनी देर से की कि आपके बच्चे जब पैदा हुए थे तो दादा का इंतकाल हो चुका था पहला फॉल्ट तो आपने ये किया बच्चों को ख़ानदानी वो दिखाया ही नहीं कि होता क्या है हमारे खानदान की परंपरा क्या है यह आपने उनको दिखाया ही खिदमत का मौका ही नहीं मिल रहा तो हवस का मतलब समझ में आ रहा है एक होती है ख्वाहिश और एक होती है हवस किसी का कारोबार चलता हुआ देख के उसको पीछे लाने की कोशिश शुरू कर देना वो भाई तू अपनी मेहनत कर उसको चलने दे यार जैसा मर्दी जा रहा है वो मैं अपनी बाइक ठीक करवाता था किसी बंदे से एक दिन मैंने बाइक ठीक करवाई अच्छा एक दिन मैं गया तो वो था नहीं तो दूसरे करीब साथ में एक मैकेनिक था उसके पास चला गया मैंने कहा ये तो बंद आप बता दो उसने कहा मसाब एक बात करूँ आपसे मैं मैंने कहा जी क्या इस बंदे से काम ना करवाया करो स्टाइल लिख रहे हैं कह रहे ये जो ये बंदा है ना आज इसकी शॉप इतफ़ाक़ से बंद है मैं आपको बता दूं आप बताना नहीं क्योंकि मैं इसका पड़ोसी हूं लेकिन आप चूंकि मस्जिद के इमाम हो और आप को ये लोग चूना लगा देंगे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है मुझे लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है देखो इस बात का इम्कान है कि वो सही कह रहा हो बात समझ रहे हैं इसको जो पॉइंट टू बी नोटेड है ना वो ये जो मैं भी कह रहा हूँ इम्कान है कि वो मेरी खैर में सही कह रहा हो लेकिन बात यह कि कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं जब मुफ्ती साहब से ये बात कहूँगा तो मुफ्ती साहब के पास क्या दलील है ये जांचने की कि तू सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है कोई दलील है इसका भी तो इम्कान है कि मुफ्ती साहब तुझे झूठा समझे कि अपने पड़ोसी की दुकान बंद करवाना चाह रहे तो अगर आप सच भी कह रहे हैं तो ऐसे मौके पर यह बात कहने की नहीं है क्योंकि ना आपके पास कोई सबूत है ना आपके पास कोई दलील है खाम खाम एक शुर्री छोड़ के चले जाना तो मेरी नजर में आया कि इसके पड़ोसी से ही करवाऊंगा मैं इससे कभी भी नहीं करवाऊंगा मैं तो ये भी घटिया तरीका है माल कमाने का वो भाई वो अगर गलत भी है यार खुद ही पकड़ा जाएगा हमें क्या ज़रूरत है पता? या तो कोई ऐसी बड़ी गलती हो ना कि मुफ्ती साहब थोड़े दिनों में वो आपके बाइक के फ़लां पार्ट्स चोरी करके भाग जाएगा अमरीका कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो रहा हो एक मुबहम बात करके चक्कर में डाल दी और बता भी रहे कि बताना नहीं उसको मैंने तो खैर नहीं बताया मुझे लड़ेंगे आपस में तो ये आपके पड़ोसी के गलत हो या ना हो लेकिन आपके बाहर आई गलत होने की अलामत है तो ये सिर्फ पैसे में नहीं है इज्जत में भी है इज्जत के भी भूखे होते हैं पैसे के भी भूखे होते हैं शोहरत के भी भूखे होते हैं शोहरत की ख्वाहिश हर एक की होती है जब भी इंसान अखबार में अपना नाम देखता है कि लाशूरी खुशी होती है अरे मैं अखबार में आया हूँ अल्लाह कराची में किसी को अखबार में ना लेकर आए कराची में अखबार में आने का मतलब कुछ और होता है कि हजरत का जनाजा फला दिन होगा इसके अलावा अखबार में नहीं आता बंदा लेकिन अगर पंजाब में आप अखबार में आए भाई मैं मेरी तस्वीर अखबार ये ये नेचुरल है इंसान खुश होता है इज्जत इज्जत में इंसान खुश होता है हजरत अबू हुरैरा रजी रजी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह नेक ने अमाल करते हैं लोगों को जब पता चलता है तो वो हमें इज्जत देते हैं वो हमारी तारीफ करते हैं कहीं तो ये रेहा तो नहीं है इससे अमल ज़ाया तो नहीं हो रहा फरमाया नहीं ये तो दुनिया में है जरा आखिरत में इसके अलावा है नेक अमल पे दुनिया में भी तो इज्जत मिलती है ना तो ये तो नेचुरल है भाई इज्जत बेस्ती पे कौन खुश होता है तभी तो अल्लाह ने इज्जत की हिफाजत का हुक्म दिया ना लेकिन इज्जत की हवस ठीक नहीं है जितनी मुकदर में है तमीज से उतनी हासिल कर लो अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश ना करो तो लालच हवस, इज्जत की के पीछे भागना इनसे वक्ती तौर तो पर कुछ चीज़ें तो हासिल हो जाती हैं लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसका पता है क्या है सबसे बड़ा नुकसान दिल का सुकून बर्बाद लालची आदमी कभी दुनिया में सुकून में नहीं आता इसी तरह बॉस की चापुलूसी करके उसकी नज़र में इज्जत हासिल करना ये भी इज्जत की ख्वाहिश नहीं है इज्जत की हवस है इतनी बॉस की तारीफ करो जितना वो नज़र आ रहा है अच्छा इससे आगे निकलने की कोशिश ना करो हजरत हकीम उलमा मौलाना अशरफ अली थान वी रहा इस पर बहुत गज़बनाक होते थे कि कोई के अपने बुजुर्ग से इतनी अकीदत का इजहार करे जितनी उसमें है नहीं जितनी अकीदत है उतना ही इजहार करो जितने वो आपको अच्छे लगते हैं उतना ही बताओ इतने लगते हैं इससे ज़्यादा न... ये नहीं कहो कि इसे ज़्यादा नहीं लगते बस इतना बता दो कि आप हमें इतने बहुत अच्छे आप तो मैं तो बस ऐसा कि बस मैं जान लुटा दूं आप पे मैं यह कर दूं भाई तो यार डेट मारने के लिए आ रहा है किसी बुजुर्ग के साथ तू यह भी मुनाफकत है जितनी अकीदत है उतनी हजरत आपके बयान से बहुत फायदा हुआ भाई वीडियो ना बनाए ठीक है थीके? जितनी हजरत बहुत फायदा हुआ आपके बयान से बड़ा अच्छा बयान अगर करते हैं बिलफर्ज आपको लगता है बहुत अच्छा बहुत मोहब्बत है आपसे हो गया काफ़ी है ठीक <laughs> है <laughs> मक्खन लगाने के लिए ताकि हज़रत आपको अपना चहीदा बना लें कोई भी बड़ा आदमी कोई ऑफिसर है एक फौजी अपने ऑफिसर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है हमने चूँकि दुनियावी इदारों में भी कुछ टाइम गुजारा है ना इस्कूल इस में चमचे होते थे टीचरों के स्कूल में क्या होते थे टीचरों के चमचे एक होता है टीचर का खिदमत गुजार ये अच्छी बात है जितनी खिदमत करो अपने उस्ताद के सवाब मिलेगा एक होते थे टीचरों के चमचे भाग भाग के काम कर रहे हैं भाग भाग के ताकि नंबर अच्छे आ जाए ये खिदमत नहीं है भाई दफ्तरों में तो होता है बॉस के आपको पता है वेट लिफ्टिंग करने वाले अलग किस्म के होते हैं खिदमत करने वाले अलग किस्म के होते हैं तो ये भी हवा सा भाई इज़्ज़त बॉस है तुम्हारा बाप बाप थोड़ी है यार ठीक है जाओ यस सर इज्जत दो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस इज्जत के काबिल है उसको वो इज्जत दिया करो तो आपका बॉस है तो आप पर लाजिम है कि उसको इज्जत दें आप तमीज़ से बात करें उसके सामने बदतमीज़ी ना करें ठीक है काफ़ी हो गया इतना करें इससे आगे निकलने की कोशिश ना करें ज्यादा से ज्यादा भाई सर कोई काम हो तो बता दिया करें लेकिन दफ्तरों में आप देखें वजह क्या है ये तरक्की की ख्वाहिश नहीं तरक्की की हवस तरक्की की हवस तो अल्लाह हर किस्म की हवस से हमारे दिलों को पाक कर दे इसी तरह याद रखो आखिरी बात ज़िंदगी की एक ख्वाहिश होती है एक ज़िंदगी की हवस होती है ज़िंदगी की भी ख्वाहिश की जाएगी हवस ज़िंदगी की ख्वाहिश जिसके दिल में होती है वो सेहत की फ़िक्र करता है वो रात को 12 बजे बिरयानियां फोड़ के सोता बोलो ना नहीं है लेकिन एक है के हवस इतने ज़्यादा वहमी बन गए हैं जैसे माइकल जैक्सन बन गया था किसी से हाथ नहीं मिला रहा कि जरासीम न टच हो जाए आपके घर में आपका बेटा है आपकी बीवी है आप उसका झूठा नहीं पी रहे आपको पता है ना वो गुटखा खाती है ना वो पान खाती है ना वो खुदा ना खास्ता कोई ड्रिंक वगैरह लेती है दांत भी साफ़ हैं नी, जरास जरासीम न चले हैं आज मैं बकरी का दूध निकाल के पी रहा था ना मैं तो ताज़ा दूध पीता हूँ अलहमद क्योंकि जिंदगी की ख्वाहिश है तो मुझे किसी ने कहा टी बी का खतरा है टी बी का जरासीम होते हैं मैंने कहा मशवरे का, का बहुत ज्यादा शुक्रिया तो अब इम्कान तो है कि वो सही कह रहा हूँ इम्कान तो है कि बकरी को टी बी हो इम्कान तो हो सकता है और वो टी बी दूध में आ रही हो भाई इमकान की बेस पर नहीं चलता इंसान ताज़ा दूध है आपने बॉयल कर लिया तो बेड़ा गर्क हो गया उसको जो कुदरत आपको पिला रही है है भाई कुदरत हमारे नबी ने हमेशा ताज़ा दूध पिया है हमें मुझे कोई एक जयीफ़ हदीस भी नहीं मिलती कि आपने कभी दूध बॉयल करके पिया हो ये तो डॉक्टरों ने लगा दिया आपको बॉइल करने पर बॉयल करो जरासीम मर जाएंगे ठीक है जब दूध ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो जरासीम आ सकते हैं उसमें फिर आप बॉइल कर लें जब ताज़ा निकाला है जरासीम को टाइम किधर मिला है आने का <laughs> और अगर आ गए हैं तो पी जाओ जरासीम कोई मसला नहीं है यार जरासीम को इतनी बड़ी फिल्म नहीं है कि आपको इतना वहमी बनाते हैं हर वक्त जरासीम का डर है बाज लोगों को हर वक्त जर्म्स ना फैल जाए छींका कोई आके अब जर्म्स ना फैल जाए जरासीम ना फैलें बच्चों को प्यार नहीं कर रहे कि यहां से जरासीम निकल के यहां ना चले जाएं तो ये ख्वाहिश नहीं है ये क्या है हवस एक साहब रात को ड्राइव ही नहीं करते थे हालांकि नजर भी ठीक है बिल्कुल यार रात को एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है मैंने कहा बहुत कम रिस्क है यार तुम तो सारी जिंदगी रात को कहीं जा ही नहीं सकते तुम तो ये ख्वाहिश नहीं है मेरे भाई ये क्या है ये हवस एक साहब बाइक चला रहे हैं तीसरे गेयर दूसरे गेयर से आगे नहीं बढ़ा रहे मुझे बड़ी बड़ी चीजों से वास्ता पड़ा है दुनिया में मैं उनके साथ आ रहा हूं और भाई तो थोड़ी स्पीड बढ़ा यार मैं पीछे बैठा होता था ना नहीं जी हजरत खतरा है स्पीड अबे मैंने कहा छोड़ यार तू थोड़ी सी भगा यार इसको तो ये ज़िंदगी की ख्वाहिश नहीं है ये क्या है ये तो इससे तो टेंशन से मर जाए आदमी तो ऐसे बहुत से लोग आपको मार्केट में वहमी मिलेंगे ये नहीं खाना यू नहीं खाना ये करना है तो इतना ज्यादा मुसलत किया हुआ है अपने ऊपर सेहत को टेंशन से ही उनकी सेहत शुगर हो जाता है थोड़े दिनों में उनको क्योंकि सेहत की टेंशन इतनी ली थी कि उस टेंशन से आपको शुगर हो गई तो क्या करना है ऐसी उसको देख लो माइकल जैक्सन तो ऐसी बेहतरीन मिसाल है ये क्या है गुर्दे माइकल जैक्सन ने किसी से गुर्दे बुक किए हुए हैं कि मेरे गुर्दे खराब हुए तो तू मुझे देगा पहले से ना कैसा हो टाइम पे गुर्दे ना मिले किसी से मेरा लीवर खराब हुआ तो लीवर ब्रदर वालों से रबता किया हुआ है उसने <laughs> खैर किसी बंदे से रबता किया हुआ है और उसको पैसे दे रहा है हर महीने के बेटा मेरा गुर्दे को कुछ हुआ तूने फौरन गुर्दा डोनेट करना है अबे भाई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्यों तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए तुम वो तमाम चीजें जो गुर्दे खराब करती हैं उनसे एहतियात करो भाई फिर भी हो गए तो अल्लाह पे तवक्कुल यार मिल गया मिल गया नहीं तो पतली गली से निकलना भी तो है ना यहां पर धरना मार के बैठेगा क्या यहां पे सारे पार्ट्स अगर आपने पब्लिक से उधार लेना शुरू कर दिए तो क्या तू क्यामत का ऐलान करके जाएगा है भाई सारे मर रहे हैं तू क्यों नहीं मरे तो जब सब मरेंगे तो तू भी क्या करेगा मरेगा कभी गुर्दे खराब होंगे लीवर खराब होगा कुछ ना कुछ होगा तेरे साथ भी इतनी हवस की और इतनी जल्दी मर गया कि किसी को उम्मीद ऐसा सोया है रात को कि सुबह पुलिस से भी नहीं उठा मैं कहता हूं पाकिस्तानी पुलिस भेज देते, देते ना उड़ जाता उठा ही नहीं है ऐसा हो डॉक्टरों के साथ हर वक्त तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हर वक्त डॉक्टर आपके साथ हो तो कुछ हो गया तो फ़ौर टिकट ठोक देंगे वह बस छोड़ यार कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो देख लो ज़्यादा चर्बी तो नहीं आ रही हार्ट बीट चेक करा लो दो चार टेस्ट होते हैं मोटे मोटे वो करा लिए बस वो कराने चाहिए ज़माने में क्योंकि 40 साल के बाद बीमारियाँ हमला करती हैं वो भी नहीं कराना फिर ये इसकी अलामत नहीं है कि जिंदगी की हवस नहीं है इसकी अलामत है जितनी ख्वाहिश होनी चाहिए उतनी भी नहीं है और ये कोई कमाल नहीं है ये सुस्त होने की अलामत है वजह उसकी है कि मौत से अगर इतनी मोहब्बत होती तो डरते क्यों मौत से तो डर तो रहे हैं फिर भी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे इसका मतलब एक चीज़ का पता है एक तालबिल को पता है कल मेरा पेपर है फिर भी रात को पढ़ नहीं रहा तो ये इसकी अलामत नहीं है कि इसको पास होने का शौक़ नहीं है ये इसकी अलामत एक नंबर का सुस्त आदमी है कि जो टेंशन सर पे मुसलत है उसमें भी हिलने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे यहां जो माशरे में चल रहा है ना वो ये है कि जो जिंदा रहने की ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है सुस्ती की वजह से और गोरे में जिंदा रहने की क्या आ गई है हवस आ गई है तो ये अहतदाल पर लाने की जरूरत तो अल्लाह हर किस्म की हवस से हमारी हिफाजत फरमाए सर पे बालों की भी मेरे भाई ये ख्वाहिश होती है और ये क्या होती है हवस होती है फिर इस पे इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा अल्लाह समझने की अमल की तौफीक मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/mufti-tariq-masood को सब्सक्राइब करें और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें जजाकअल्लाह